हेलो दोस्तों, मैं अमृता आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। हम लोग आज राजनीति विज्ञान से अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्य के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्य और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी, देख यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए, नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातलपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है, इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता बस मुझे न हो जाए यह बीमारी। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा है कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए सिटिन। ही ही ही, हाँ हाँ हाँ, अचानक रुक जाओ, रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच, लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है, और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे, मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। तो दोस्तों देखिए, पानी की जो है एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत में, और ये हर राज्य में इसकी जो समस्या है वो अच्छे से उत्पन्न होने लग गई है, क्योंकि पानी, एक तो पानी आता नहीं है, उसके बाद पानी आता भी है सो बहुत लोगों को गंदा पानी मिलता है, उन्हें साफ़ पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोगों को पीने से तबीयत ख़राब होती है। और बहुत सारे राज्य में, मतलब ज़्यादातर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ तक कि अब तो गाँवों में, बिहार जैसे गाँव में भी बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, जिनको बहुत दूर दूर से पानी, पीने का पानी भर के लाना पड़ता है पीने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग पानी को बचाइए, ज़्यादा पानी को वेस्ट मत कीजिए, जितना हो सके उतना, कि हाँ मेरा इतने में काम हो जाएगा तो कीजिए। और ये नहीं कि नल खुला है, आप लोग काम कर रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा है, आधा काम हो रहा है, आधा पानी वेस्ट हो रहा है। आप कुछ भी काम करें, बाल्टी में उसे भर के काम करें, टैप बंद कर दें, उसके बाद काम करें। बहुत लोगों का ये होता है कि हाँ इधर काम हो रहा है, इधर पानी भर के गिर रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है, सो प्लीज़ पानी आप बचाइए। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा, आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? ये हर क्षेत्र में होते हैं विधायक, जिन्हें हम MLA के नाम से जानते हैं, वही ये हमारे जो क्षेत्र का जो भी काम धाम होता है वो देखते हैं। तो विधानसभा के सदस्य को विधायक MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप
है, यहाँ देखिए, पातालपुरम में क्या हो रहा है? आप कमेंट्स के द्वारा बताइए कि पातालपुरम में हो क्या रहा है और यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। और यहाँ देखिए, एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा है। यहाँ देखिए, अब जो ये मानचित्र दिया है उसमें हिमाचल प्रदेश ऊपर है, जम्मू कश्मीर के नीचे, जो कि कितने 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता का एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जब चुनाव होता है तो बहुत सारे पार्टी के अलग अलग पार्टियों के लोग खड़े होते हैं, जिनमें से सबको जिनको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीतते हैं और फिर अपनी सरकार बनाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों को 68 निर्वाचन क्षेत्र है, जम्मू और कश्मीर। ये देखिए, ये मैप का वो दिखाया गया है, उत्तराखंड। ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया है। ये देखिए, जामुनी रंग है हिमाचल प्रदेश। और इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इनकी आकृति बनाइए। आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी हिमाचल प्रदेश राज्य की बनाइए। मतलब 111 पर, इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इनकी आकृति बनाइए। आप जिस राज्य में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश राज्य के, ये देखिए, ये उत्तराखंड है, इधर पंजाब है, इधर जम्मू कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम, ये 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके परिणाम यहाँ दिखाए गए हैं। राजनीतिक दल इधर है, चुने गए सदस्यों की संख्या है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसको हम लोग बोलते हैं वो 44 सीटों से जीती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जिसको कहते हैं वो है 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक है, निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं है वो 2, और कुल मिला के 68। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें। आप अधिक जानकारी अगर चाहते हैं इस पे तो आप इस पे, ये जो वेबसाइट दिया हुआ है इस पे आप लॉग इन करके और देख सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जो भी, इसलिए अगर बहुमत प्राप्त करके अगर कोई जीतेगा, जैसे मान लो 2 लोग खड़े हैं, तो अगर जो जीतना है जिसको, उसको 34 मतलब आधे से ज़्यादा वोट लाने होंगे तभी वो बहुमत से जीतेगा। तो 34 × 68 होता है, तो अब उसको 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधिकारी दल के सदस्य बन गए।
यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने 44 वोटों से जीती है तो सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीत कर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। जो चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक होते हैं अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। चुनाव हो जाता है उसके बाद राज्य का जो राज्यपाल होता है, चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और जो अन्य मंत्रियाँ होते हैं राज्य स्तर पर उनको भी शपथ दिलाने का काम राज्यपाल का ही है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखे, उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। अब जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी राज्य से हैं, वहाँ का एक जिस जैसे हम लोगों को हिमाचल प्रदेश का हमने पढ़ा ऊपर, उस तरीके का ही कि कैसे कितना वोट से कौन जीता, किसने निर्दलीय लड़ा, किसने किसी पार्टी से लड़ा, तो आप उसका एक वैसा ही कॉलम बना के हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। जो राज्य का सबसे मेन होता है वो राज्यपाल होता है जो मुख्यमंत्री की भी शपथ दिलाता है और अन्य मंत्रियों की भी को भी शपथ दिलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। जो राज्यपाल होता है वो हर स्टेट में होता है और वो केंद्र के द्वारा उसको नियुक्ति की जाती है। जो केंद्र सरकार है हम लोगों का, उनके द्वारा राज्यपाल की हर राज्य में नियुक्ति होती है और वो सिर्फ ये देखने के लिए होती है कि राज्य स्तर पे वहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। तो आप अपने जिस भी स्टेट के हैं आप लोग अपने राज्यपाल का नाम पता कीजिए और हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए कि हम किस स्टेट से हैं और हमारे स्टेट का राज्यपाल अभी कौन है। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। कई बार बहुत सारी पार्टियां मिलकर एक बन जाती हैं, उसे गठबंधन सरकार बोलते हैं और गठबंधन बोलते हैं और फिर उन्हीं पे नियुक्ति होती है उनकी और फिर वो काम करते हैं जनता के लिए। विधानसभा में एक बहस। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं।
किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। विधायक एक, अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। विधायक दो, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। विधायक तीन, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक चार, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विधायक पाँच, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं हुए किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच गए हैं? विधायक छः, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। ये विधानसभा में ना सारे विधायक एक दूसरे को इस तरीके से बात करते हैं कि हाँ हमने ये काम किया, तुम आपने ये नहीं किया, ये वो, ऐसी बहस चलती है। फिर इसका एक फैसला होता है। और क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायक को पहचान सकते हैं? सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायक दूसरे रंग से रंगी है। और जो यहाँ के स्पीकर होते हैं वो फैसला सुनाते हैं, फिर उन्हीं के फैसले पे हमें अमल करना होता है। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न कही गई इस कार्य पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के इनाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार सबसे तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यही सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यहाँ देखिए, जो विधायक सोचते थे कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे? यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? आपके विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही? कैसे चर्चा कीजिए? व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यप्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी हैं क्या अंतर है? शासन की कार्यप्रणाली, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए हैं। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरना पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी नहीं है, पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। यहाँ पे देखिए, सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दो उपाय लिखिए। और प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है, आप हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषय पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती हैं कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों MLA के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता के पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्य को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। यह आप देख सकते हैं सभाएं। विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग। उनके कार्यों के उदाहरण आप दीजिए, हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए।
वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीर गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपरोक्त शासकीय विभाग का क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। वो जो ये जो ऊपर कॉलम दिया गया है या आप अपने शिक्षिका से पूछिए और उनके जो काम होते हैं वो इसमें भर के हमें भी कमेंट्स के द्वारा बताइए। शिक्षिका चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचित देती हैं और संक्षेप चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना पड़ता है, क्या क्या रखना चाहिए चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। ये देखिए, इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने का काम, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता। लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता था। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो। जैसे ज्वर की महामारी कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि। तो ये हमारा अध्याय ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग एक बार इसको दोबारा से पढ़िए, समझिए और जो भी इसके क्वेश्चंस हैं इसके आंसर कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।